नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तैयारी कैसी चल रही है अभी आपके अपने फिल्म शुरू होने के लिए? देव साहब, ये धनबाद संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के सहयोग से हम इस चुनाव को भारी बहुमत से जीते। यहाँ तक तैयारी का प्रश्न है। हमारे सभी कार्यकर्ता जो बूथों में जिनकी जिम्मेवारी है, उनको शक्ति केंद्र के आधार पर पंचायत का काम दिया गया है और जो मंडलों में काम करते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता इस चुनाव में एक प्रकार से लगे, क्योंकि उनका काम केवल काम करने के दृष्टि से वो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो काम कर रहे हैं कि इस देश को फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को स्थापित करना है, तो पूरी ताकत के साथ वो काम कर रहे हैं। हर इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, आपको लग रहा है कि आपको भी यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ा? ये देश का मुझे मेरे जितनी आयु है और जितना मैं चुनाव देखा, आज तक कोई ऐसा चुनाव मैंने नहीं देखा जिसमें कोई ये चर्चा करता हो कि आपका प्रत्याशी कहाँ है। कोई ये पूछता भी नहीं है कि प्रत्याशी कब आएगा, बल्कि सारे लोग जब हम लोग को देखते हैं कि हम लोग कमल फूल वाले हैं, कमल फूल लगा करके जाते हैं, तो जनता स्वतः आ करके बोलती है। ये बंगला क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि अपना दर आसपास कोई दरकार नहीं, हमारा वोट भी कह दिए से हमारा निजे ही वोट देव, हमारा मोदी की चाहे मोदी हमारे जन्म भगवान, मोदी हमारे खबा दीछे, हमारे घर दिल, मोदी हमारे गैस दीछे। तो इस प्रकार से जनता इस बार आ गए आप लोग के साथ। अच्छा, क्या लगता है कि आपको कांग्रेस का एक हमने हैवी एक कैंडिडेट उतारा है, उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा आप लोग को? देखिए, कांग्रेस का उम्मीदवार हैवी वेट नहीं है, और कांग्रेस कह रही है तो ये जनता को मैंने एक प्रकार से गुमराह कर, क्योंकि ये उम्मीदवार तो बीजेपी का था और ये बिहार से चुनाव लड़ते थे। इनके पिताजी का नाम थोड़ा बिहार के चीफ मिनिस्टर होने के कारण माफिया उन्मूलन के कारण से चर्चित हुआ था, और दुर्भाग्य देखो कि जिसका पिता माफिया उन्मूलन का काम करता हो धनबाद में और उसके कारण चर्चित, वो जब कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर के आया उसका लड़का, तो वो एक माफिया के ही घर में रह रहा है। नॉमिनेशन किया यहाँ पर विजय सिंह, जो सकलदेव सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, ऐसे उनके घर में आके रह रहे हैं, तो वो पथरी और करनी में बहुत अंतर है। मतलब उनका आने से कोई फर्क आप लोगों को नहीं पड़ेगा? सर, सवाल ही नहीं है। देश की जनता और धनबाद की जनता खास करके इस बार मैं जो बता रहा हूँ वो एकदम सही बात आपको बता रहा हूँ। आप क्षेत्र में जाइए, लोगों से बात करिए, आपको लगेगा नहीं कि एक तरफा चुनाव जा रहा है। मैंने आप लोग को वाक ओवर मिला क्या? अच्छा, सिंह मेसन के कैंडिडेट आने से कुछ दिलचस्प हुआ इलेक्शन? कोई दिलचस्प नहीं हुआ। उनके आने से किसको नुकसान हुआ कांग्रेस को या बीजेपी? किसी का कोई नुकसान नहीं है, उनका खुद का नुकसान है। अच्छा, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, उनका खुद का नुकसान है। आप और इसलिए नुकसान होगा कि जनता इस बात को इस बार के लिए समझ रही है कि देखिए, मोदी को हराने के लिए कई ताकत काम कर रही है, उसमें कुछ लोग सामने से मोदी को हराने का काम कर रहे हैं और कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि उसके कारण से मोदी का कम वोट कम हो, मोदी हार। लेकिन वास्तव में जनता इन सभी चीज़ों को समझती है, और ये वैसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से मोदी को हराने का काम करने के लिए साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं, जो आप जिनका नाम आपने, और जो सामने का दुश्मन है वो दिखता है। ये लोग वैसे दुश्मन हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में काम ये मोदी को हराने के लिए कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता इस बात को समझ चुकी है, धनबाद की जनता, कि इनकी बातों में आने का बात नहीं है। हम ये काम अपने विवेक पर और मोदी जी के काम के लिए करें। बात की बात में अभी बहुत दिनों से है, उन आखिर धनबाद के लिए कौन सा ऐसा काम किया जो जिसकी वजह से लोग आपको बोल रहे हैं? देखिए, ये आप जो लोग व्यक्ति पर जा कर के बात करते हैं ना, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रत्याशी पार्टी का होता है, सरकार पार्टी की, और आप ये तय करिए ना कि जिसके लिए हम लोग वोट दिए
मांग रहे हैं वो जब जाते हैं और सरकार बनाते हैं तो वो इस क्षेत्र के लिए क्या काम करते हैं, सरकार कौन सा काम करती है। तो ये सरकार जो काम कर रही है, जिसको गैस देना हो, जिसको इंश्योरेंस देना हो, जिसको चिकित्सा का लाभ देना हो, जहाँ रोड बनना हो, तो ये सरकार के माध्यम से प्रतिनिधि ही करते हैं इन सारी चीज़ों। और इसलिए हम लोग जनता के सामने इन विषयों को रखते हैं कि आप जो चुनाव वोट देते हैं ये वोट कोई व्यक्ति विशेष को नहीं देते, ये पार्टी को देते हैं। और पार्टी जब सरकार बनाती है तो हमारी पार्टी जब सरकार बनाती है तो हम जनता के लिए काम करते हैं, तो उसमें पार्टी भी अलग नहीं है, प्रतिनिधि भी अलग नहीं है और सरकार भी अलग नहीं है। इसलिए हम इसी चीज़ के आधार पर वोट मांगते हैं, व्यक्ति का विषय तक तो कोई बात नहीं। यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात किया कि धनबाद का प्रॉब्लम क्या है, सब ने कहा कि पानी एक बहुत बड़ा इशू है, पानी का प्रॉब्लम है। देखिए हम आपको सकते हैं कि जो झारखंड की सरकार बनी इस पर, इस झारखंड की सरकार ने निरसा में और गोविंदपुर में जो ग्रामीण एरिया है, इस ग्रामीण एरिया की जलापूर्ति के लिए 700 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट यहां पर शुरू किया। आप टुंडी में चले जाइए, वहां 76 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सारा काम पाइपलाइन में नहीं है, वह धरातल पर है। और दूसरा क्या है कि पेयजल के लिए जितना गंभीर प्रयास अभी इन 5-10 साल में शुरू हुआ है, इतना गंभीर प्रयास खास करके इस धनबाद की जनता के लिए एक बार और हुआ था जब बाबूलाल मरांडी जी की सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनी थी। और उस समय यहाँ के सांसद होते थे परमेश्वर अग्रवाल राज्यसभा में, पीएन सिंह जी साथ में विधायक थे, और इन सब लोगों ने मिल करके मैथन से पानी ले जा करके धनबाद में लोगों को पिलाने का काम किया था। नहीं, आप तो करके प्रोजेक्ट पर काम चल रहा, लोगों को पानी कब तक मिलेगा? 2 साल में। आप प्रोजेक्टों को जा करके जरा देखिए, ये न्यूज का भी काम है कि हम जो बोल रहे हैं इस पर भरोसा मत करिए। आप जाइए यहाँ जो देवियाना गेट है वहाँ पर जा करके जायजा लीजिए, जो वहाँ पर कंपनी काम कर रही है उससे बात करिए, जो दक्षिण क्षेत्र में जो दामोदर नदी से पानी उपलब्ध कराएगा, उसका शायद पाकर कुआं या कोखरा पहाड़ी कोई गाँव है, वहाँ जा करके पता करिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि कितना युद्ध स्तर पर ये पानी के बारे में। दो साल के बाद लोगों को पानी मिलेगा निश्चित रूप से, और शुद्ध पानी मिलेगा, कोई रॉ वाटर नहीं मिलेगा, एकदम फिल्टर पानी। इस बार आपकी जीत की मार्जिन बढ़ेगी ना घटेगी? हम जिस तरह से जनता की अपेक्षा है और जिस तरह से जनता का रुझान है, और रुझान के आधार पर 2014 का आकलन हम 2019 से जब करते हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि 2014 में तो एक संभावना थी कि मोदी आएंगे तो कुछ करेंगे, ये लोगों के अंदर का एक भरोसा था। लेकिन जब मोदी को लोगों ने वोट दिया 2014 में और मोदी आए, तो उस समय मोदी का नाम था और अब मोदी का काम भी जुड़ गया है नाम के साथ। इसलिए नाम और काम दोनों मिल करके एक ऐसी ताकत बनी है कि हमें पूरा भरोसा है कि पिछली बार जितना मार्जिन से यह चुनाव हम लोग जीते थे, लगभग 2,93,000 का, ये मार्जिन 5 लाख से कम का नहीं होगा। झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग भी कुछ पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 14 सीट में आप लोग कितना सीट लड़े? 14 का 14 सीट बीजेपी जीतेगी, गठबंधन के साथ जीतेगी और जनता के भरोसा पर जीतेगी। इसलिए आप 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो आप आइएगा, हम आपको 14 सीट के लिए 14 लड्डू जरूर खिलाएंगे। झारखंड में इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि पारण के टीचर का जो एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, उन लोगों ने कहा कि हम लोग को डिमांड अब तक पूरा नहीं किया गया, उसके बारे में क्या कहना है? पारण टीचर के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि उनकी समस्या जो है वो सरकार के ध्यान में है और सरकार उस समस्या का समाधान करने के लिए काम भी कर रही है। और चूंकि मामला थोड़ा इतना जटिल तरीके से आया है झारखंड में, कि उस जटिलता को समाप्त करने के लिए सरकार को थोड़ा समय चाहिए और सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। किसी भी पारा टीचर को मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी पारा टीचर को संशय करने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं है। उनका समस्या जो है उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, रघुवर दास ही करेंगे, और दूसरा कोई भी ताकत उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। और उस समस्या के समाधान के दिशा में
काम भी आगे चल रहा है। वो लोग चाह रहे कब तक होगा, वो लोग तो बड़े इंतजार करते हैं। वो लोग तो धरना पे धरना दे रहे हैं, उन लोगों को परिवार भूखे मर रहे हैं। आज स्कूल फीस वगैरह जो भी है, पारा टीचर कंटिन्यू स्कूल कर रहे हैं, मगर उन लोगों का जेब मान उन लोगों के खाते में आज सैलरी नहीं मिल रहे हैं। इसके विषय में क्या कहना, उनका परिवार दुखों से जूझ रहे हैं। ना रघुवर दास कुछ कर रहे हैं, ना बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रहे हैं, ना ही नरेंद्र मोदी कुछ कर रहे हैं। इसके विषय में आपको क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है इसके विषय में। मेरा इतना ही कहना है कि सारा चीज समस्या का समाधान की दिशा में बढ़ रहा है। इसलिए आपका आरोप ये पत्रकार के तरीके से हो सकता है, एक निष्पक्ष तरीके से नहीं है। क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो समस्या है वो उसका प्रक्रिया जटिल है समाधान करने का, और जो प्रक्रिया को सरल करने का काम सरकार कर रही है वो ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे होगा, मैंने वो हल हो जाएगा, निश्चित रूप से हल होगा इसका कोई मैंने, और हम ही करेंगे। हम लोग का चैनल का माध्यम से कब तक आप बोलिएगा हल हो जाएंगे? जो लोग घर में जो खुशी का दीपावली जलेंगे, दिया जलेंगे, दीपावली कब तक आप बोलिएगा? निश्चित रूप से उनको आश्वस्त इस बात के लिए रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम कर रही है और उसका समाधान करेगी। इसका मतलब हम लोग क्या जान जाए, जनता जान जाएगी जे भारतीय जनता पार्टी बनेगी केंद्र में तभी समस्या का समाधान होगी? केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इसका काम तो कर रहे हैं। राज्य में तो आप ही लोग हैं, मगर अभी तक सॉल्यूशन नहीं है इनके। केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इस काम को कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट केंद्र का था, राज्य सरकार उसमें एक सहयोगी की भूमिका में थी, और उस दोनों मिल करके इसका समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हो जाएगा। मेरा यही कहना है कि देश के निर्माण के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की जनता, धनबाद की जनता मोदी जी के पक्ष में मतदान करे। क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बता दिया है कि हम आएंगे तो AFSPA कानून का समीक्षा करेंगे, और यदि भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बताया है कि हम यदि आते हैं तो 2022 जो स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ होगा, 2022 में इस देश का स्वरूप होगा कि आतंकवाद इस देश से नहीं रहेगा, गरीबी इस देश में खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, गंदगी समाप्त कर दिया जाएगा, और जातिवाद, संप्रदायवाद जिसके कारण से देश कमजोर होता है, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये सारा चीज 2022 आते आते खत्म करना है। ये मोदी जी का संकल्प है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश की जनता मोदी जी के पक्ष में भारी मतदान करे, ताकि स्वतंत्रता का जब हम 75वां वर्षगांठ मनाएं तो हम इसी वातावरण में मनाएं कि हमारा देश विश्व गुरु के रास्ते पर आगे बढ़े। चलिए, आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप लोगों ने हम लोगों से बात कर सकते हैं। आप लोग नुक्कड़ नाटक करते हो, हाँ, इसका थीम क्या है? सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम। मैं धनंजय कुमार और ये मेरी टीम। टीम का नाम क्या था? ये टीम है, एक का नाम क्या? इनका प्रवीण कुमार तिवारी। आप? आप सुरेंद्र कुमार सुदेश। आप? विशाल बंसल। अच्छा, आप लोग प्रचार प्रसार में क्या करते हो? ये हिंदी में नुक्कड़ नाटक और इंग्लिश में स्ट्रीट प्ले, ये मेरी टीम है। हम लोग को रूट चार्ट मिलता है ऑफिस। अभी मैं झारखंड का धनबाद झरिया निरसा में हूँ और हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम लोग रूट चार्ट मिलता है किस जिस भी एरिया में। वो तो जाते हो वहाँ जाके आप लोग जो नाटक करते हो, टाइमिंग क्या होता है, कितने मिनट होता है? 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट। इसमें हम लोग क्या बताते हो पब्लिक? हम लोग कोशिश ये है कि ये 5 सालों में जो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कमल फूल छाप जो एक पैकेज है, वो इन 5 सालों में क्या की है पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए क्या की, पूरे इंडिया के लिए क्या की है, वो ही बस आईना। मैं आईना दिखलाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आईना बिल्कुल सच होता है, क्लियर होता है, वो मैं पब्लिक ऑडियंस के सामने रखता हूँ। बीजेपी की जो बात है उसको पब्लिक सामने रखते हैं। बस अब तक आप लोग कितने परफॉर्मेंस कर चुके हो? ये मेरा 105वां कहाँ से शुरू, कहाँ कहाँ किए? सबसे पहले मेरा शुरू हुआ झारखंड का चतरा में, उसके बाद फिर सिमरिया में, फिर कोडरमा में,
फिर तिलैया में, मैंने झारखंड से भी बाहर गए हैं। नहीं अभी नहीं। तो हमारा झारखंड है। अच्छा, आप जब करते हो तो आपको रिस्पांस कैसा मिलता है पब्लिक? बहुत बढ़िया। ट्रस्ट मी कि ये आज अगर मैं शुरू करूँगा, मेरी टीम शुरू करेगी प्रोग्राम, तो ये मेरा 105वां शो होगा और 104 शो में एक जगह भी मुझे और मेरी टीम को ऐसा फील नहीं हुआ कि जहाँ पे मोदी जी और कमल कुछाप और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में किसी का नारा, नॉट अ सिंगल प्लेस, नॉट अ सिंगल पर्सन। सबसे अच्छा ऑडियंस कहाँ मिला आपने 105 जगह परफॉर्मेंस? हाँ, जहाँ करके लगा कि नहीं थोड़ा सा और करते। हाँ, सबसे अच्छा चतरा। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का? कहना ये है कि चतरा में थोड़ा शाम हो चुका था, ठीक है ना, हम लोग गए वेटिंग, वहाँ पहुँचे, लाइट अचानक से कट चुका था। हम लोग जैसे पहुँचे तो हम लोग बात किया कि भैया नमस्कार, मैं हम लोग कर्नाटक आपके यहाँ करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग जहाँ बताइएगा हम लोग वहाँ कर लेंगे। आया दो चार लोग, कौन से टीम से आप लोग, क्या दिखलाइएगा? बोले बस कर्नाटक करेंगे, आप लोग बतलाएंगे। नहीं नहीं, आप लोग पार्टी कौन सा है? बोले भारतीय जनता पार्टी। ऐसा देखा कैसे हम जाने भारतीय जनता पार्टी, फटाक से मोबाइल हम लोग निकाले, ऐसा हम लोग पट्टा लगाए हुए थे, ये पट्टा हम लोगों ने दिखलाया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की ओर से आए हुए हैं और मोदी के बारे ही बतलाएंगे। हाँ बोले तब फिर फाइनल, तब फिर आप लोग कीजिए, और अगर मोदी के अलावे कोई परफॉर्मेंस करना है आप लोगों को तो प्यार से यहाँ से चलते बनी। वो एक्सपीरियंस। हाँ, इलेक्शन का सीजन आप लोग कर्नाटक कर रहे हो, इसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं? सब हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई वाले, ठीक है ना, सब लोग पढ़ाई करते हैं। मेरा डबल एमए चल रहा है, पहला ज्योग्राफी से एमए कर कंप्लीट है मेरा, और किसी थिएटर से किसी ड्रामा सब लोग, हमारा टीम भी है जागरण नाट्य संस्था जो हजारीबाग झारखंड हजारीबाग में है। अच्छा, ये तो परफॉर्मेंस की हो तुम लोग आसनसोल में भी और कहीं भी किए लोकल, कहीं बंगाल में या फिर नहीं? ये नुक्कड़ तो नहीं किए, उसके अलावा हम लोग किए, हमारा बहुत जगह टीम परफॉर्म कर चुकी है। क्या ड्रामा किया थिएटर शो? अच्छा, क्या नाम है जागरण नाट्य संस्था? क्या था ब्रेक थ्रू तो नहीं, उसको हम कहेंगे लाइब्रेरी, एक तक एक गधा और अलादात खा, ये थिएटर शो हुआ। बाकी बात मैं अभी फिलहाल में मैं टीवी शो टीवी एक्टर हूँ और फिल्म कैरेक्टर हूँ, सीरियल फिल्म मेरा चलते रहता है। ये बहुत अच्छा नालवादक प्लेयर है, ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत अच्छा गाता है, और ये भी बहुत अच्छा एक्टर है। हम लोग सारे लोग नुक्कड़ के अलावे पढ़ाई के साथ साथ हम लोग अपना इसी फील्ड में है, एक्टिंग के फील्ड में। अभी आप लोग तो घूरे हो प्रचार प्रसार में, कैसा लग रहा है? 14 सीट है जो झारखंड में, कितना सीट आपको उम्मीद है बीजेपी आएगी? सर मैं तो कहूँ 14 पर 14 सीट, 110%। क्या भाई लोग 110%। आपको इन्फॉर्म है 14 सीट में क्या बीजेपी लड़ रही है? अब ये तो नहीं पता, सॉरी, मैं अपना सिर्फ जो मुझे जिम्मेवारी मिली है मैं वो अपना काम। 14 में ये इनकी जहाँ तालमेल है वहाँ से 14 से 14 निकाल लिया। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं ऑडियंस से समझ पा रहा हूँ, जो ऑडियंस को मैं देख पा रहा हूँ इन्वॉल्व हूँ उनके साथ, वहाँ से मैं 110% कह सकता हूँ कि मोदी का सीट है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है, मतलब है। नुक्कड़ नाटक से कितना वोट कन्वर्ट कर पाऊंगा? बहुत ज़्यादा से, बाकी पब्लिक खुद समझदार है। पब्लिक को इन 5 सालों में क्या काम किए है मोदी सरकार वो बिल्कुल क्लियर है मोदी जी के पास। हाँ, विपक्ष वाले लोग होते हैं और रहेंगे तभी ये राजनीति हो पाएगी, तो विपक्षी लोग हैं, लेकिन जहाँ हम लोग परफॉर्म किए वहाँ पर क्लियर था कि वो मोदी का वोट है, कमल छाप का वोट है, मतलब है। आखिर में कुछ मैसेज है आपको पब्लिक के लिए? हाँ, मैसेज आप सब से ये है कि हम लोग, ये मेरी टीम है, हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सुबह से रात तक मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि ये पाँच साल में मोदी सरकार ने बहुत कुछ हम गरीबों के लिए दिए। मैं धनंजय कुमार पर्सनली ये कहता हूँ, मेरे घर पे बाथरूम मिला, मेरी माँ बहन लोग पहले शौचालय खुले में जाती थी, अब मेरे भाभी बहन भतीजी माँ शौचालय बाथरूम में जाती है, शौच करने बाथरूम में जाती है, मेरा घर सचमुच पानी चूता था बरसात में, वो आज मुझे मेरा घर मिला है, मैं छत के अंदर रहता हूँ, और वो मोदी सरकार की वजह से। दूसरी बात कि मेरी माँ का आँख का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, आयुष्मान भारत की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
तो पब्लिक आप सब समझदार हैं। उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और इस बार 500 पार, 400 500 पार, और होगा ये आप सबों से, आपकी एक एक वोट, आपकी एक एक कीमती वोट से 400 500 सीट पार होगा, पूरा भारत में 400 500 सीट पार होगा। तो भैया ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी। सबको धन्यवाद, जय हिंद, हमारे चैनल से बात की, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू सर।